ओडीआई वर्ल्ड कप से भी बाहर स्काई दूसरे ओडीआई में भी अपना मौका ना भुना पाए। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा ओडीआई का मुकाबला चल रहा था बारबाडोस के किनिंगटन ओवल में, जिसमें एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव हो चुके हैं फेल। फिर से उनका बल्ला खामोश रह गया। पहले ओडीआई में भी सिर्फ मात्र 19 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो दूसरे ओडीआई में भी 24 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत जिस तरह करते हैं लगता है कि शायद से हाफ सेंचुरी सेंचुरी मार देंगे, एक बार टिक जाएंगे और अच्छे रन्स मारे चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत सिर्फ अच्छी करते हैं लेकिन उसके बाद काफ़ी ही जल्दी आउट हो जाते हैं। इतने सारे इनको मौके मिल चुके हैं लेकिन अब तक एक भी मौका अपना ये भुना नहीं पा रहे हैं। इनको बार बार मौके क्यों दिए जा रहे हैं अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। काफ़ी सारे फैंस, काफ़ी सारे लोग इस बात से चिंतित में है कि इनको बार बार मौका दिया जा रहा है जबकि डिजर्विंग खिलाड़ी जिनको मौका मिलना चाहिए उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। अगर एक बार इनके जो इन्होंने ओडीआई में अपना एक खराब प्रदर्शन दिखाया है दूसरे ओडीआई में, एक बार इनकी परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। 25 बॉल में 24 रन मारे, 3 चौके मारे, छक्का एक भी नहीं मारा। 96 की स्ट्राइक रेट से वह खेल रहे थे। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो 25 गेंदों में 24 रन मारे, शुरुआत काफ़ी अच्छी करी, 96 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे और लग रहा था कि आज फाइनली वो मुकाबला हमें देखने को मिलेगा जिसमें सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा, जिसमें हमें वो फाइनली टिके हुए नजर आएंगे और अच्छे रन्स मार के जाएंगे जब सारे बल्लेबाज फेल हो रहे थे। लेकिन सिर्फ वही है कि शुरुआत ही अच्छी हुई, उसके बाद फेल हो गए। जिस तरह का इनका प्रदर्शन चल रहा है, जितने मौके इनको बार बार मिल चुके हैं, अब ODI वर्ल्ड कप 2023 से इनका पत्ता कट होता जा रहा है ये साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि जितने इनको मौके मिले हैं और उसमें जिस तरह का इनका प्रदर्शन रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद ये ODI वर्ल्ड कप में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। अगर इनका अभी तक के ODI करियर के स्टार्ट्स पर देखे भी तो उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें ODI में, तो ODI में कुल 25 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ 476 रन ही मारे हैं। 23.8 का इनका एवरेज है जिसमें शतक एक भी नहीं है और सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज है। मतलब 25 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज, 23 का एवरेज ODI में, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्टार्ट था सूर्य कुमार यादव के ODI में। T20 में तो इनका बल्ला बहुत जोरों शोरों से चलता है, हमने देखा है कि मेंस रैंकिंग में भी T20 में नंबर 1 बल्लेबाज है ये। पूरी दुनिया के जिन्हें नंबर 1 बल्लेबाज कहा जाता है वो ODI में आते इनका बल्ला क्यों शांत हो जाता है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, इनकी जगह ODI वर्ल्ड कप में किसी और खिलाड़ी को मौका दे देना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी भी सूर्य कुमार यादव को और मौके दे देने चाहिए या इनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? और अगर किसी और खिलाड़ी को मिलना चाहिए मौका तो कौन सा खिलाड़ी आपके हिसाब से वो डिजर्विंग है, मुझे फटाफट से कमेंट जरूर बताइए। आप लिखे तूफान स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।